सो हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका इंसाफ कप सीजन वन हमारे इंसाफ ई स्पोर्ट्स के पहले टूर्नामेंट में। ठीक है, सो गाइस बेसिकली मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ डिटेल क्लियर करने वाला हूँ कि मैचेस कैसे होंगे, कब होंगे, जो भी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता, मैंने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ और आप लोगों के पास ये वीडियो भेज देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आओ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टूर्नामेंट के स्पॉन्सर से के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, सो पहले ना ये वीडियो देख लो। बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द अकाउंट्स गैलरी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि अकाउंट्स गैलरी क्या है, सो गाइस अकाउंट्स गैलरी एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आप अपने पबजी अकाउंट्स को सेल और परचेज कर सकते हो। ठीक है, चीपर से लेकर के एक्सपेंसिव तक सारे अकाउंट्स इसके अंदर अवेलेबल है, यूसी से लेकर जो भी आपको रिगार्डिंग लाइक यूसी परचेज वगैरह करनी है सो आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, बाकी की सारी डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन पे दिख रही होंगी। एंड जाओ सारे के सारे बंदे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, सारे के सारे बंदे वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लो और ऑनर से जो भी आपको बात करनी है वहां पर आप डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट ऑनर आपसे बात कर लेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे की वीडियो में, तो गेट बैक इनटू द वीडियो। तो गाइज होप आप लोगों ने हमारे लाइक स्पॉन्सर के बारे में देख लिया होगा। ठीक है, दी अकाउंट्स गैलरी इनका, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको दी अकाउंट्स गैलरी। ठीक है, सर्च कर लेना आप। और बेसिकली ये जो है ना भाई हमारे सागर भाई हैं। ठीक है, ये बस वही अकाउंट्स वगैरह में डीलिंग वगैरह करते हैं, आपको बता ही दिया होगा वीडियो में। बाकी चलो मैं आपको डिटेलिंग ये क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए भाई, हमारा पहला सीजन है इंसाफ कप का, पहला टूर्नामेंट है, क्वालीफायर का कुछ शेड्यूल ऐसे है। ठीक है, पहले होंगे क्वालीफायर्स, ठीक है, देन होंगे एलिमिनेटर्स, देन होंगे प्ले ऑफ, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल। ठीक है, वैसे हमारा जैसे हमारा विनर मिल जाएगा। तो टोटली हमारे पास रजिस्टर किया है 120 स्क्वाड ने, जिसके हमने 6 ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रुप ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और 6 के 6 ग्रुप का मैंने व्हाट्सएप पे बना दिया है और सबको ऐड करवा दिया है। ठीक है गाइस, तो सब लोग ऐड हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपके मैचेस कब है। तो ग्रुप ए का जो मैच है, देखो 3 दिन में क्वालिफायर्स होने वाले हैं, 18 तारीख को, देखो ये 18 को क्वालिफायर एक, दूसरा ये 19 को, तो ये तीसरा होने वाला 20 को। ठीक है भाई, तो ऐसा सीन है। और उसके बाद जो 18 तारीख को मैच होगा वो होगा आपका ग्रुप ए का मैच होगा 18 तारीख को, ग्रुप ए और बी का मैच होगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ग्रुप ए और बी का मैच होगा 18 तारीख को। पहला मैच होगा उनका मिरामार को रात में 8 बजे, शाम के इवनिंग में रखा हुआ है। ठीक है, 8 बजे होगा मिरामार, देन होगा इरेंगल उनका 9 बजे। सो बेसिकली हमने ये दोनों साथ में इसलिए रखे हैं ताकि यार देखो लाइक एक रहता है ना रिदम रहता है कि अगर कोई बंदे ने किसी चीज़ ने कोई गलती करी है तो वो उसको सही करके देन वापस से एक मैच और उसको मौका मिले और वो खेल ले। अगले दिन होता तो वो चीज़ टूट जाती, ब्रेक हो जाती, तो ये रिदम को हमने एक साथ करने के लिए साथ में ये मैचेस रखे। ठीक है, सो दो एक ग्रुप ए के दोनों मैचेस हो जाएंगे 8 बजे एक 9 बजे, डन। फिर होगा 10 बजे मैच होगा ग्रुप बी का मिरामार का, 11 बजे होगा इरेंगल का। ठीक है, सो ऐसे हमारे 18 तारीख को 4 मैचेस होंगे और ये चारों के चारों मैचेस का जो भी पूरा एक लाइव स्ट्रीम होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा पूरा टूर्नामेंट लाइव स्ट्रीम होने वाला हमारे इंसाफ ई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज आपको सारी स्ट्रीम्स वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और आपको मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा देखोगे आप प्रोफेशनल टूर्नामेंट, सब कुछ आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अपने 19 तारीख की तरफ। तो 19 तारीख में आप देखोगे 19 तारीख को भी सेम ऐसे ही सीन है, 19 तारीख को मैचेस होने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के। ठीक है, सो पहला मैच होने वाला 8 बजे एज यूजल मिरामार का, फिर 9 बजे इरेंगल का ग्रुप सी का, वैसे ही ग्रुप डी का 10 बजे, फिर 11 बजे। ठीक है, ऐसे 19 तारीख को ये हो गया। फिर अपन बढ़ते हैं 20 तारीख को, अगले नेक्स्ट डे होगा, डे 3 हमारा ग्रुप ई का होगा, सेम ग्रुप ई और एफ का वैसे ही सेम होगा, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे, ऐसे होगा मैचेस, समझ गए होगे। ठीक है, तो 18, 19, 20 ऐसे जो जो जिस ग्रुप में है उसके उनके ग्रुप में आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और स्लॉट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 15 मिनट पहले आके बैठ जाना, उसमें आईडी पासवर्ड में आपको हर एक चीज़ डिटेल्ड मिल जाएगी। ठीक है, 15 मिनट पहले आके रूम में बैठ जाना, जैसे 8 बजे मैच है तो 7:45 पर आपको आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, आप आके बैठ जाना, देन आपको करेक्ट 8 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे मैच। ठीक है, तो कुछ कोशिश करना फटाफट से सारे आके बैठ जाना रूम में। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा क्वालिफायर और मैचेस के मैंने आपको बता दिया मैंने। अब रही बात इनमें से लाइक आगे प्लेऑफ्स में कौन कौन क्वालिफाई करेगा वो कैसे, तो गाइस ये आप पढ़ सकते हो। देखो, टॉप 5 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल बी क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स एज पर स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है गाइस, तो 5 टीम जो क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है, 20-20 टीमें खेलने वाली है, तो जो भी टॉप 5 होगी एज पर स्कोरिंग सिस्टम आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ये रहा। ठीक है, और वो जो भी टॉप 5 होगी जिनके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे किल पॉइंट्स प्लस पोजिशन पॉइंट्स, वो टॉप 5 क्वालिफाई करेगी। बाकी के जो 15 होगी ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, बाकी की जो 15 बचेगी ना हर ग्रुप से, तो उनके लिए भी कुछ सोचा हुआ है हमने, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहली बात
टॉप 5 क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है, और फिर देन जो बची हुई 15, ठीक है, वो खेलेगी हमारे एलिमिनेटर्स मैच। ये नहीं भाई कि आप एक बार हार गए तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, गाइस हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है, होता है कई मैचेस खराब हो जाते हैं, कुछ रीज़न हो जाता है, बट आप देखो कॉम्पीट कर सकते हो हमारे एलिमिनेटर्स राउंड में, वहाँ पर आप जाके ना अपनी लाइक टीम को पॉइंट्स दिला के आप एलिमिनेटर से भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी 15 स्क्वाडे बचेगी पर ग्रुप से वो खेलेगी एलिमिनेटर के मैचेस, वो मैं आपको बता दूंगा उसका भी शेड्यूल, ठीक है। सो दोज टीम्स हुज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द क्वालिफायर्स मैचेस गेट अ चांस टू प्ले एन एलिमिनेटर राउंड, ठीक है, टू क्वालिफाई इन प्लेऑफ्स, ठीक है भाई। टॉप 5 जो होगी 15 में से वो क्वालिफाई कर देगी, तो बेसिकली हमारे हर ग्रुप से 10 टीमें क्वालिफाई करेगी, ठीक है, 20 टीम खिलाएंगे, 10 टीम क्वालिफाई करेगी, तो समझ रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रखी हुई है। सो ऐसा सीन है। और रही बात अब स्कोरिंग सिस्टम, अब गाइस ये स्कोरिंग सिस्टम आप देख लो, ये देखो किल पॉइंट जो है, देखो किल पॉइंट जो है पर किल 1 पॉइंट मिलेगा आपको, 1 kill = 1 point लिखा है, ठीक है, और जो भी चिकन डिनर निकालेगा #1 आएगा उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, सेकंड वाले को 7, थर्ड वाले को 4, प्लस जो 4 से लेकर 10th तक है फ्रॉम रैंक 4th अप टू रैंक 10th विल गेट 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट उनको मिलेगा और रेस्ट टीम जो होंगे उनके 0 पॉइंट मिलेंगे, 0 मतलब पोजीशन के पॉइंट, बाकी लेकिन किल पॉइंट का 1-1 पॉइंट मिलेगा सबको, ठीक है गाइस। सो ऐसा ही आपको स्कोरिंग सिस्टम भी बता दिया मैंने, ठीक है गाइस, तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी है। इंसाफ देखो आप हमें गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंसाफ स्पोर्ट्स मैनेज बाय इंसाफ इन स्पोर्ट टीम पावर्ड बाय द अकाउंट्स गैलरी, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताएगा। और गाइस जितने भी मैचेस होने वाले वो होने वाले इंसाफ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीम होने वाले बेसिकली, ठीक है। सो गाइस ये हो गया हमने क्वालिफायर, ऐसे ही आपको बता दिया, अब बात करते हैं चलो एलिमिनेटर्स की, जो हार जाएंगे, ठीक है, सो उनका क्या होगा, उनके मैचेस कब होंगे, तो गाइस ये देखो बाकी आपको पूरा वो तो समझ आ गया होगा, पूरा मैप तो समझ आ गया, रोड टू मैप, बट मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेटर्स के मैच कब होंगे। ये देखो एलिमिनेटर्स का मैच क्या है, ये देखो गाइस डे 1 21 तारीख को होगा एलिमिनेटर का मैच, जो भी 15 जो भी हार के वहां से आएगी, ठीक है, 5-5 क्वालिफाई करेगी, 15 हर ग्रुप से बची है, अब वो 15 स्क्वाड्स का फाइट होगा, ठीक है। ग्रुप ए का मैच होगा 21 तारीख को 8, 9, 10, 11, समझ गए हो ना, सेम चीज 8 बजे ग्रुप ए का, फिर सेम मैच 9 बजे मेरी रेंगल का ग्रुप ए हो गया, 10 बजे फिर ग्रुप बी का, 11 बजे ग्रुप बी का, ठीक है, सेम 21 तारीख हो गया ग्रुप ए बी, 22 तारीख हो गया सी डी और एफ, 23 तारीख हो गया ई एफ, ठीक है गाइस। सो देखो 18, 19, 20 को होंगे हमारे क्वालिफायर, 21, 22, 23 को होंगे हमारे एलिमिनेटर, ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे सीन है। और जो भी इनमें से 5-5 क्वालिफाई करेगी वो आगे चल जाएगी भाई हमारे प्लेऑफ्स में, ठीक है गाइस। सो बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। सो आपको सारी चीज़ें बता दी। और गाइस हाँ, हमारे स्पॉन्सर का भी ख्याल रखना भाई, अगर किसी को कोई भी अकाउंट सेल परचेज या कुछ भी करना हो ना तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे दी अकाउंट्स गैलरी सर्च कर लेना और उनको डीएम कर लेना, आपको लाइक चीपेस्ट से लेकर एक्सपेंसिव सारे अकाउंट्स अवेलेबल हैं, आप अपना अकाउंट सेल भी करवा सकते हो, ठीक है। किसी को लगता है ना मेरे को अकाउंट सेल करवाना है, जेन्युइन कौन है, तो भाई 100% ट्रस्टेड बंदा है भाई, लिटरली जाओ फुल मौज करो, हमारी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो चलो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।